सदन की कार्यवाही और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग दोनों में विपक्ष का रवैया देख के ये स्पष्ट हो जाता है कि वो मन बना के आए हैं कि सदन को चलने नहीं देना है, सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ाना है और शायद उनके दिल में कुछ खोट है, उनको परेशानी है कि पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से हिंसा की घटनाएं हुई, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो उसमें नारी शक्ति का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां हैं। ऐसे में जब सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि हम मणिपुर की घटनाओं पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, उसके बावजूद कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल सदन की कार्रवाई को डिस्टर्ब करें, सदन की कार्रवाई में रूल्स के तहत डिस्कशन ना होने दें, ये स्पष्ट दिखाता है कि पूरी तरीके से कांग्रेस और विपक्ष सदन की कार्रवाई को चलने नहीं देना चाहती है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तक में जब जिसका काम सिर्फ समय एलोकेट करना है, एक एक बिल के ऊपर कितना समय डिस्कशन होगा, उसमें भी जिस प्रकार से कांग्रेस और उनके साथी विपक्षी दलों ने बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग में भी अड़चने डाली और समय तय करने के बदले एक प्रकार से हर विषय पर विरोध व्यक्त किया, ये दर्शाता है कि कांग्रेस और उनके मित्र पूरी तरीके से आज से ही सदन की कार्यवाही को रोकना चाहते हैं। जब माननीय अध्यक्ष राज्यसभा ने रूल 176 के तहत शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के ऊपर जो 8 नोटिसेज उन्हें मिले हैं उसकी बातचीत की, उसकी डिटेल्स पटल पर रखी, तभी सरकार ने तुरंत स्वीकृति दी कि चर्चा की जाए। मणिपुर के ऊपर हम भी बहुत संवेदनशीलता से चर्चा करना चाहते हैं, सभी की बातें सदन में आए, इसके लिए सरकार तैयार है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, बाकी विपक्षी दल शायद अपने खोट छुपाने के लिए चर्चा से भाग रही है, चर्चा नहीं करना चाहती है और कार्रवाई के सुचारू चलने में अड़चने डाल रही है। सर, अपोजिशन का ये कहना है कि प्रधानमंत्री में अपनी बात करके तभी चर्चा शुरू होगी। इस विषय में जब चर्चा होगी तो और खुलासा माननीय गृह मंत्री जी भी करेंगे कि पहले भी जब ऐसे विषय पर चर्चा हुई है तो किसने जवाब दिया, क्या चर्चा हुई, ये सब बातें सदन में जब चर्चा होगी इस पर रखी जाए। जब ये बिजनेस चलने ही नहीं देते हैं तो स्थगित का प्रस्ताव कहाँ से आता है? वैसे ही ये बिजनेस चलाने नहीं देते हैं, हम तैयार हैं चर्चा के लिए। तो मुझे लगता है कि ये डाइवर्जनरी टैक्टिक विपक्ष का चलेगा नहीं। सरकार पूरी तरीके से डिस्कशन के लिए तैयार है लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। सरकार ने सदन में घोषणा कर दी है, हमने कल ऑल पार्टी मीटिंग में भी सबको कहा था कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। अब उनकी तरफ से अड़चने आना ये साफ जाहिर करता है कि बंगाल में जिस प्रकार से हिंसा की घटनाएं हमने देखी, इतने सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन का बलिदान दिया, जिस प्रकार से हम महिलाओं के बहुत ही घृणा के दृश्य राजस्थान में देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं, महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है कांग्रेस शासित प्रदेशों में, उससे भागने के लिए, उससे छुपने के लिए शायद कांग्रेस ने देखा जब सरकार मणिपुर की चर्चा करने के लिए तैयार है तो अब वो भाग रहे हैं चर्चा से। और जिस सदन में वो कार्यवाही नहीं चलाने देना चाह रहे तो उसमें ये नया अड़ंगा डालने का कोई